हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। इमरामा टैरो में आपका स्वागत है। 2023 खत्म हो चुका है गाइस, 24 आने वाला है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2024 के लिए आपके पास, आपके लिए यूनिवर्स के पास क्या मैसेजेस हैं। हर एक मंथ का एक डिफरेंट कार्ड निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं, 2024 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, अब देखिए जेमिनी, यहाँ पे हमारे पास जनवरी के लिए है पेज ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब जैन में यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जनवरी ना थोड़ा करियर रिलेटेड, करियर ओरिएंटेड लग रहा है मुझे। आपकी कोई नई जॉब लग सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर से रिलेटेड, या अपने प्रोफेशनल करियर, काम से रिलेटेड कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है काम या करियर या प्रोफेशन से रिलेटेड, या बिजनेस से रिलेटेड, या पैसे से रिलेटेड कोई आप चीज विश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी पूरी हो सकती है। बट नई जॉब, नया सोर्स ऑफ इनकम कोई स्टार्ट हो सकता है आपका जनवरी में। अब फेब के लिए हमारे पास है द मून पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। अब देखिए द मून हमको ये बता रहा है कि फेब में आप के साथ कोई ट्रिक्स प्ले कर सकता है, कोई झूठ सच कर सकता है, कोई आपको थोड़ा सा धोखा दे सकता है, कोई और पिक्चर क्रिएट करके दिखा सकता है, कोई इल्यूजन्स हो सकते हैं, आपके खुद के क्रिएट करे इल्यूजन्स हो कि आप बहुत डिल्यूजनल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब आपके बारे में सोच रहे हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, खुद ही डिल्यूजन में जीना, तो वैसी एनर्जी भी हो सकती है। या फिर दूसरा कोई एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके लिए कि ये जॉब बड़ी अच्छी है, या यू नो लाइक करियर पे कॉन्सेंट्रेट करना या सिर्फ घर पे कॉन्सेंट्रेट करना ही एक एप्ट लाइफ का तरीका हो, जीने का तरीका होता है लाइफ को। या फिर कोई एक रिलेशनशिप है, कोई इंसान है जो कि इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके सामने कि वो बेस्ट है, ठीक है, कुछ एक बहुत ही ड्रीमी सी चीज बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है आपको फेब मंथ में, तो आपको थोड़ा सा ना उससे ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि आप किस चीज पे यकीन कर रहे हैं, किस चीज पे नहीं यकीन कर रहे हैं। कोई सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, आप किसी को कोई सीक्रेट रिवील कर सकते हो फेब में, या किसी को, या कोई आपको कुछ बता सकता है अपने सीक्रेट्स के बारे में, या फिर किसी थर्ड पर्सन से आपको ये सीक्रेट्स पता लग सकते हैं। वैसी भी वाइब दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपको थोड़ा सा ना जेमिना अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा, आप इमोशनल नहीं हो सकते हो, आपको अपना विजडम यूज करना पड़ेगा फेब मंथ में, काफी सूझबूझ समझ के साथ आपको काम लेना पड़ेगा। अब देखिए मार्च मंथ में है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स, अगेन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। सिक्स ऑफ कप्स हमको बता रहा है किसी के साथ आपकी रीयूनियन हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप बचपन में जानते थे, बचपन मतलब या तो स्कूल या कॉलेज, बट बहुत पहले जानते थे इनको, किसी तरीके की चाइल्डहुड मेमोरीज रह चुकी हो इनके साथ आपकी, कोई पुराने लोग, पुराना कोई क्रश, पुराना रिलेशनशिप, पुराने फ्रेंड्स, पुराने प्रोफेसर्स, आई थिंक कोई रीयूनियन हो सकती है, लाइक कोई ऑफिशियल रीयूनियन हो सकती है जहां पे आप लोग सब मिलो मार्च मंथ में, किसी की शादी हो सकती है जहां पे आप सब लोग फ्रेंड्स दोबारा से मिलो, बट रीयूनियन दिख रही है मुझे यहाँ पे, सब लोग साथ में मिलते हुए ओल्ड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया डिस्कस करते हुए, वैसी वाइब आ रही है मुझे मार्च में। देखिए अप्रैल में हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स, अगेन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। आपकी विश पूरी हो रही है जेमिनाय, आपने अगर करियर या रिलेशनशिप या प्यार जिससे भी रिलेटेड आपने विश करी थी आपकी, वो विश पूरी हो रही है। आप एक
स्टेज आगे बढ़ रहे हैं, आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी थी अभी तक वो मेहनत आपकी फल ला रही है, आपको रिवॉर्ड रिटर्न मिल रहा है उस चीज का वापस अप्रैल मंथ में। देखिए अप्रैल और मई में मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, शादी हो सकती है। अप्रैल मई जून मुझे ऐसा लग रहा है कोई शादी, रिलेशनशिप, कनेक्शन, प्यार, लव, इमोशन से रिलेटेड, सेलिब्रेशन से रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि मई में हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, 9 के बाद 10 ऑफ कप्स है, 10 के बाद एस ऑफ कप्स है। वाव, देखिए खुशियां हैं मई में, आपके फैमिली में, आपके घर में लोग काफी खुश हैं। आप में से कई लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, कई लोग शादी कर रहे हैं, कई लोगों की एंगेजमेंट हो रही है, कई लोगों की फैमिली इकट्ठी मिल रही है और सेलिब्रेट कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों को पीआर मिल रहा है, या कोई एग्जाम क्लियर करना था आप लोगों को, वो एग्जाम क्लियर उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे आप, और वो फाइनली क्लियर हो रहा है, कोई रिजल्ट आ रहे हैं, विश पूरी हो रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है, सारी फैमिली इकट्ठी सेलिब्रेट कर रही है, कोई बेबी भी हो सकता है, बट बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, फैमिली सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब देखिए जून में एस ऑफ कप्स, जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा दिख रही है, 9 10 एस ऑफ कप्स, मतलब एक ऑर्डर में है यहाँ पे अप्रैल मई जून, तो प्रेगनेंसी दिख रही है, शादी दिख रही है, एंगेजमेंट दिख रही है, प्यार दिख रहा है, रिलेशनशिप कनेक्शन, आप किसी फर्टिलिटी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उस हिसाब से उस टाइम पे प्लान कर सकते हैं, एस ऑफ कप्स है हमारे पास, कंसीव कर लेंगे आप, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बेबी हो सकता है। मुझे बहुत फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत ही प्योर फॉर्म में एक फिजिकल इंटीमेसी है यहाँ पे। आपके कोई नए रिश्ते स्टार्ट हो रहे हैं, नए रिश्ते स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर अगर एक बेबी आ रहा है पिक्चर में, तो बेबी और आपका भी तो एक नया रिश्ता स्टार्ट हुआ, वैसी चीज भी हो सकती है यहाँ पे। अब देखिए जुलाई मंथ जो है हमारे पास है दो हर्मिट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा ना हर्मिट मोड में चले जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन मोड में चले जाएंगे जुलाई में, कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं अभी लाइफ में, क्या वो सही है, मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था और अब मैं कहाँ हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक घर के अंदर बैठना, थोड़ा विड्रॉ कर लेना दुनिया से, ज्यादा लोगों से मिलना नहीं, अपने में ही रहना, सैड फेज नहीं होता है ये, बट अपने ऊपर कंसंट्रेट करना। तो दो हर्मिट हमें बता रहा है जुलाई मंथ में ना आप थोड़ा अपने ऊपर कंसंट्रेट करोगे, आपकी जर्नी कैसे रही है अभी तक, आप कहाँ थे और कहाँ आ गए हो, क्या क्या हर्डल्स आपने क्रॉस करे हैं, कैसी रही है आपकी जर्नी, ऑल दैट, आई थिंक उस बारे में आप थोड़े सोचोगे ज्यादा जुलाई मंथ में, और अपने में ही रहोगे, लाइक थोड़ा सीमित रहोगे, विड्रॉ करके रहोगे, लोगों से ज्यादा मिलोगे जुलोगे नहीं। अब देखिए जुलाई अगस्त, अगस्त में हमारे पास जस्टिस, एयर साइन, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, अब यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको ना थोड़ा सा अगस्त मंथ में बैलेंस बना के चलना है, अपनी फैमिली, बच्चा, काम, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको साथ में जगल करनी पड़ जाए, बट आपको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ सकती है काफी अगस्त में। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपका जो एक सोचने का नजरिया है, जो परसेप्शन है ना, उसमें भी आपको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ सकती है अगस्त मंथ में। आप बहुत एक्सट्रीम मत सोचिएगा, एक्सट्रीम डिसीजंस मत लीजिएगा, एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस मत रखिएगा, दूसरे का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस समझने की भी कोशिश करिएगा, दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कोई लाइक भैसम भैसी हो जाए घर में, घर के लोगों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, कॉलीग्स के साथ, क्योंकि आप दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश ना करें, आपको थोड़ा एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा चीजों का, कि मैंने जो बोला वो भी ठीक है, दूसरा जो बोल रहा है वेयर इज दैट पर्सन कमिंग फ्रॉम, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, थोड़ा सा बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए सितंबर में हमारे पास है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब यहाँ पे यूनिवर्स ना थोड़ा सा बता रहे हैं सितंबर मंथ में आपको पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा, काफी पेशेंस रिक्वायर्ड है आपकी, कुछ चीजें थोड़ी सी
स्लो हो सकती हैं, वो स्पीड से ना चल रही हो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतनी जल्दी या उतनी स्मूथली ना चल रही हो, तो थोड़ा सा पेशेंटली आपको डील करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखने पड़ेगी, आपको थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल मेरे ख्याल से थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। लाइक आप बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रहना पसंद करते हो शायद सिचुएशन के, कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद, लेकिन एक प्लान्ड कंट्रोल्ड वे में चलना होता है ना। तो आई थिंक सितंबर मंथ में आपको थोड़ा कंट्रोल जो है वो लेट गो करना पड़ेगा कि ठीक है, लाइक देखते हैं कैसी चीज आगे चीजें होती कैसे हैं, थोड़ा पेशेंटली डील करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको हिम्मत बंधाए रखनी पड़ेगी, करेजियसली डील करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है, स्ट्रेंथ करेज कन्विक्शन ये जो है ये सारी चीजें बनाए रखनी है, गिव अप नहीं करना है, बैक डाउन नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है चीज से, ठीक है। तो वो वाली चीज है थोड़ी यहाँ पे सितंबर मंथ में, जो भी चीज आएगी उसको डील करिए उस चीज से, एंड थोड़ा पेशेंटली रहिए, पेशेंस रखिए कि हाँ ठीक है हो जाएगा। लाइक सितंबर मंथ है, अक्टूबर आ जाएगा। अब देखिए अक्टूबर मंथ में हमारे पास है 8 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 8 of Wands हमें बताता है कि चीजें चेंजेस आएंगे अक्टूबर मंथ में, आपके काफी चेंजेस आ सकते हैं और वो चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, बहुत स्पीड से आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। इनफैक्ट काफी एक्शन ओरिएंटेड मंथ है अक्टूबर। थोड़ा सा नजरिया, सोच का नजरिया ठीक रखिएगा अपना, थोड़ा सा पेशेंटली डील करिएगा, ऑब्जेक्टिविटी रखिएगा अपनी सोच में, थोड़ा सा हिम्मत बंधाए रखिएगा, बट काफी स्पीड से चीजें चेंज हो सकती हैं अक्टूबर मंथ में। एयर ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे कहीं पे, आप या तो छुट्टी मनाने जा सकते हैं, एक्सक्यूज मी, या फिर आप कहीं काम से शायद ट्रैवल करें या छुट्टी मनाने जाएं, बट कहीं पे ट्रैवल दिख रहा है, एयर ट्रैवल दिख रहा है और काफी सारे चेंजेस दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा तसल्ली रखेंगे तो इन चेंजेस के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, अगर आप बहुत ज्यादा लाइक पैनिक करोगे ना तो ये चेंजेस के साथ आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि डील कैसे करें इन चेंजेस के साथ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। नवंबर, नवंबर में हमारे पास है टेम्परेंस, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब देखिए टेम्परेंस ना थोड़ा सा हमें बता रहा है कि आपका, एक तो आप हील कर रहे हो अपने आप को, नवंबर मंथ में आपकी हीलिंग चल रही है, आप हील कर रहे हो अपने आप को, हो सकता है कोई प्रॉपर रेकी टेक्निक्स या क्रिस्टल हीलिंग या किसी तरीके के योगा या कोई ऐसी हीलिंग के से गो थ्रू करो आप, कोई किसी से कोई सेशंस लो या समथिंग लाइक दैट, या फिर अपने आप को एक नॉर्मल मेडिटेशन करके आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज से आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एंड हील हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ही हो रहे हैं, हो भी रहे हैं हील। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना थोड़ा अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे हैं, किसी से रिकंसिलिएशन भी दिख रहा है मुझे नवंबर मंथ में, किसी पुराने इंसान से रिकंसिलिएशन हो सकता है, ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई पुराना फैमिली मेंबर हो सकता है, बट आप रिकनसाइल कर रहे हो, आप हील कर रहे हो सकता है क्योंकि आपने अपने आप को हील कर लिया है इसलिए आप दूसरे उस इंसान से वापस रिकनसाइल कर रहे हैं, क्योंकि अब आप दूसरे के नजरिए से चीजें देखने लग गए हैं, दूसरे का नजरिया भी लाइक उस चीज को पिक्चर में रखने लग गए हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करने लग गए हैं, नजरअंदाज नहीं करते हैं, तो थोड़ा अपने अपने आप को भी थोड़ा सा चेंज करा है वो चीज भी मुझे दिख रही है। काफी मॉडरेशन में चीजें आप करने लग गए हैं, आपकी लाइफ का एक पर्पस मिल गया है आपको नवंबर मंथ में, मिल जाएगा कि आगे मुझे बढ़ना कैसे है, करना क्या है, रिलेशनशिप सेक्टर, प्रोफेशनल सेक्टर, करियर, व्हाटएवर, बट आई थिंक आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा नवंबर मंथ में। जेमिनाई, 3 of Coins, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप अपना कोई स्किल जो है जो आपने शायद अभी तक किसी को नहीं बताया था, आप वो स्किल दूसरों को दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं इन अ वे, मे बी किसी को आप इम्प्रेस करना चाह रहे हैं या फिर नॉर्मली लोगों को दिखा रहे हैं, कोई वीडियो के थ्रू, रील के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर नॉर्मल ऑफिस में कोई एक टैलेंट है जो आप लोगों को दिखा रहे हो, बता रहे हो कि अच्छा अभी तक
मैं ये नॉर्मली करता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये खास है, बट दिसंबर मंथ में आप उस चीज को करना स्टार्ट करोगे, देन ग्रेजुअली आप रियलाइज करोगे कि अरे ये चीज तो कोई और नहीं कर पाता, ये तो सिर्फ मैं कर पाता हूँ। तो वो टैलेंट आप जैसे जैसे दिखाना स्टार्ट करोगे, आपको रियलाइज होगा कि ये एक बहुत बड़ा स्किल है आपके अंदर, एक यूएसपी है जो बहुत लोग नहीं कर पाते, और इसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं। मैंने बोला ना आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिलेगा, नवंबर दिसंबर आप अपना टैलेंट लोगों को दिखाओगे, उसके थ्रू पैसे कमाओगे और ग्रो करोगे। अब देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं 2024 के लिए, क्या मैसेजेस हैं जेमिनाई के लिए 2024। एक्स फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके देखिए जेमिनाई, कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे एनर्जी स्पिरिट्स, कोई चीज ऐसी हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट काम करें 2024 में। हमारे पास द मून है फेब मंथ में, और कहीं पे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है। मून भी नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आपको जो इंट्यूशन है आपकी और स्ट्रांग हो जाती है, आपको पता लग जाता है। लोग आपको ऑफकोर्स यू नो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट आपको पता लग जाता है कि कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा फेब मंथ में कि कौन आपके अगेंस्ट जा रहा है, कौन आपके आपसे झूठ बोल रहा है, कौन आपको चीट कर रहा है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू 24 में क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स जेमिनाई के लिए प्लीज बताइए। ओके बटरफ्लाई अ चेंज फॉर द बेटर। देखिए जेमिनाई, मैंने आपको बोला यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे आपके अक्टूबर अक्टूबर मंथ में। आपको रियलाइज नहीं होगा कैसे क्या कब हुआ, आपको थोड़ा ग्रास्प करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये चेंज बेटर के लिए होगा। आप एंटर कर रहे हो 24 एक बहुत ही लिमिटेड सोच के साथ, लिमिटेड पर्सपेक्टिव के साथ, एंड जब आप 24 एग्जिट करोगे आप इतने इवॉल्व होगे, एक बटरफ्लाई बन चुके, लाइक ककून से बटरफ्लाई बन चुके होगे आप 2024। 2024 यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं। ओके काइट वेकेशन जेमिनाई, आपकी वेकेशन बहुत जगह लिखी थी यहाँ पे, ट्रैवल लिखा था काफी ज्यादा यहाँ पे हमारे पास। कहाँ गया? एट ऑफ वॉन्स अगेन, ट्रैवल यहाँ पर है हमारे पास, आपकी रीयूनियन है वहां पे भी ट्रैवल हो सकता है, बट आपकी वेकेशन हॉलिडे इंजॉय करना काफी, आई थिंक कोई ऐसी वेकेशन लिखी है जो आप काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं, वैसा कुछ हो सकता है। ओ माय गॉड, मुझे ये कार्ड उठाना ही पड़ेगा, ऑल्दो मैंने सिर्फ तीन कार्ड्स निकालती हूँ, बट होल्ड ऑन। हमारे पास ये जो कार्ड नीचे गिरा था ये है कैटरपिलर। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। कैटरपिलर है हमारे पास, बटरफ्लाई है हमारे पास, एट ऑफ वॉन्ड्स है चेंज। इससे और बड़ा क्या चाहिए आपको मैसेज? कैटरपिलर अ चेंज इज कमिंग, चीजें सेम नहीं रहेंगी। 24 आपके लिए बहुत एक लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है, आपके कोई नए सोर्सेज ऑफ इनकम निकल सकते हैं ऐसी चीजों के थ्रू जो आपको पता भी ना हो, वैसा कुछ हो सकता है। देखते हैं एस्ट्रल हाउस से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं 2024 जेमिनाई के लिए। लव, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे हमारे पास मई जून जुलाई, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, प्यार लव कनेक्शन मैरिज बेबी सब दिख रहा है। तो लव आई थिंक आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी आफ्टर दिस कनेक्शन, और समवन एंटर्स योर लाइफ, कोई एंटर करेगा आपकी लाइफ, और उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं फॉर बेटर। आपको लगता है कि काफी काफी चेंजेस आ सकते हैं, आपको मे भी लग रहा हो कि नहीं ऐसे कैसे, बट
उसके बाद आपकी लाइफ 180 डिग्री टर्न ले सकती है। देखते हैं मंथ्स में से कौन सा सिग्निफिकेंट है, 2024 में से कौन सा मंथ सिग्निफिकेंट है फॉर जेमिनाई यूनिवर्स, प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए कौन सा मंथ 2024 का सिग्निफिकेंट। कई लोग नोएडा में रहते हैं, मुझे ऐसा एकदम से लगा। कोई अभी चाय पी रहा है, कोई नोएडा की टी शॉप में है, ऐसा कुछ। अक्टूबर, ओ माय गॉड, अक्टूबर, एट ऑफ वॉन्स, चेंजेस। देखिए अक्टूबर आपके लिए साल में बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। आपके जो चेंजेस हैं, कैटरपिलर चेंज, बटरफ्लाई चेंज, ये सारे चेंजेस अक्टूबर मंथ में आएंगे एंड आपके लिए पूरा लाइफ टर्न हो सकती है आपकी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 6, 9, 10, 8, 3, 8। मैं देख रही थी कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बट नहीं हो रहे हैं, तो यहीं पे खत्म करते हैं रीडिंग। इसके अलावा मेरे पास और तो कोई मैसेजेस नहीं है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरे इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।